सो फाइनली पाइनियर डीजे का फ्लैगशिप प्लेयर रिलीज हो चुका है जिसका नाम है CDJ 3000। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये इसके अंदर क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। सो वेलकम टू द स्पिनिंग वाइब्स चैनल। मेरा नाम है DVJ माइल्स इंडिया, जहाँ पे हम टेक से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, डीजे से रिलेटेड और अनबॉक्सिंग वीडियो करते हैं। सो लेट्स जंप इन टू इट। सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि जो भी मैं इस सीडी प्लेयर के बारे में बताऊंगा वो एकदम 100% राइट नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि 19-20 का फ़र्क हो। जब तक हमारे पास सीडी प्लेयर हाथ में नहीं आ जाता तब तक मैं इसके वीडियो के हिसाब से इसको रिव्यू करते हैं और बताऊंगा कि क्या क्या फंक्शन ये काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका इंट्रो हमने पहले ही देख लिया था। सो इंट्रो वगैरह में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब हमें पता चल चुका था कि ये ऑफिशियली मतलब कैसा आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, थोड़ा बहुत हिंट मिल चुका था। ओके, सो इस तरीके से हमारे इंटरफेस आ चुका है, हमारे को पता चल चुका है कि CDJ 3000 अब ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका है। मतलब ऑब्वियसली इंडिया में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अब आ चुका है और इसका मतलब जैसा हम लोग दिखा रहे थे उसी तरीके से रिलीज़ हुआ है और कोई फेक पिक्चर नहीं थी, वो ओरिजिनल थी जैसा काफ़ी लोगों ने देखा है। इसके अंदर हम देखते हैं डुअल कोर ARM कोर्टेक्स A5 1.5 GHz का प्रोसेसर है, क्वाड कोर ARM A53 1.2 GHz का दूसरा भी प्रोसेसर है, मतलब दो प्रोसेसर इसके अंदर लगे हुए हैं। वाओ, मतलब परफॉर्मेंस पहले जो थोड़ा बहुत स्लो भी चलता था वो अब फास्ट हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पावरिंग एडवांस न्यू फीचर्स। सो इसके अंदर न्यू फीचर्स आएंगे, मतलब कुछ फीचर्स वगैरह ऐड हो जाएगा। सो इसके अंदर थोड़ा सा देखते हैं, अगर मैं देखूँ सो हॉट क्यूज लोडिंग स्पीड, मतलब ऑब्वियसली इम्प्रूव ट्रैक एंड हॉट क्यू लोडिंग स्पीड, मतलब अगर आप देख सके सो इसके अंदर ट्रैक्स कितने सारे हैं। पहले मतलब अगर 6-7 दिखते थे या 5-6 दिखते थे, सो इसके अंदर अब मुझे लगता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ट्रैक एक साथ देखने को मिल सकते हैं। सो काफ़ी इंप्रेसिव है ये ट्रैक, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। और मतलब डिस्प्ले ऑब्वियसली बड़ा होगा तभी शायद इसके अंदर देखने को मिल रहा है ये सब चीज़ें। और इसका 96 kHz से 32-bit फ्लोटिंग इंटरनल ऑडियो प्रोसेसिंग वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है इसके अंदर। और टच प्रीव्यू, ओके, टच प्रीव्यू आ गया इसके अंदर। फॉर टच प्रीव्यू का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आप रिकॉर्ड बॉक्स वगैरह में देखते हो तो आगे एक प्रीव्यू होता है जिसमें पता चलता है कि ट्रैक्स कहाँ से क्या है और आपका टच करते हुए ट्रैक चल पड़ते हैं। सो इस तरीके का फीचर्स भी इसके अंदर आ चुका है, जो आप ट्रैक सुनोगे, मतलब आप अगले कौन सा, मतलब दूसरा, मतलब एक मास्टर ट्रैक चल रहा है और दूसरा ट्रैक में कौन सा प्रीव्यू आपको सुनना है, आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रीव्यू में ही सब पता चल जाएगा। मतलब ये एक अच्छा फीचर है कि होता क्या है कि हम लोग लोड करते हैं देन आगे फॉरवर्ड करते हैं तब उससे प्रीव्यू पता चलता है कि हमारा ट्रैक कौन सा है, किस तरीके से है, लेकिन आपको लोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रीव्यू से ही पता चल जाएगा। सो इट्स वेरी नाइस और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी अभी निकाली है की सिंक। ओके, सो की सिंक के बारे में बात करते हैं। की सिंक वो चीज़ होती है जो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10A पे बजा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ हारमोनिकली म्यूज़िक प्ले करने का शौक़ होता है। हारमोनिकली म्यूज़िक प्ले करने से मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ट्रैक आपका 9A में चल रहा है और दूसरा ट्रैक आपका शायद आई गेस 5A में चल रहा है, सो ये की सिंक दबाने से वो भी जो पहले ट्रैक चल रहा था उसके हिसाब से कर देगा। 9A में ही चल रहा था तो वो भी 9A में 5A से 9A में कर देगा। सो ये फीचर्स उनके लिए जो हाउस डीजेज है, जो मतलब अंडरग्राउंड म्यूज़िक प्ले करते हैं, सो इनके लिए है। सो अपने इंडियन डीजेज के लिए फ़ीचर्स उस हिसाब से काम नहीं आने वाला, क्योंकि इन हिंदी ट्रैक्स वगैरह जो भी अगर कोई प्ले करता है सो मुझे लगता नहीं है कि वो चीज़ है। और इसके नीचे थोड़ा सा देखा जाए तो टेम्पो जो दिख रहा है मुझे +6, 10, 16, मतलब इस तरीके से प्रिंट करा हुआ है। ओके, सो अगर आप देखें तो ओके, सो गीगाबाइट इथरनल है इसके अंदर। ओके, इथरनेट है, गीगाबाइट मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लिंक केबल, मतलब अब और स्पीड से काम करेगा, मतलब और ज़्यादा ट्रांसफरिंग स्पीड से काम करेगा। मतलब अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक पेन ड्राइव लगाया है तो उससे 6 के 6 पेन ड्राइव बहुत स्मूथ काम करेंगे। आप देख सकते हो कि मिक्सर ये DJM V10 रखा हुआ है जो कि बहुत अभी का नया पाइनियर का नया मिक्सर है,
बहुत ही 6 चैनल वाला मिक्सर है और बहुत ही बड़ा मिक्सर है। सो उसके हिसाब से इन लोगों ने प्लेयर का डिज़ाइन कराया है और उसके हिसाब से प्लेयर बड़ा करा है इन लोगों ने। सो प्लेयर काफ़ी बड़ा है और प्ले फ्रॉम 1 USB डिवाइस अक्रॉस 6 प्लेयर विथ प्रो डीजे लिंक। ओ माई गॉड, मतलब एक पेन ड्राइव से आप 6 के 6 CD players में प्ले कर सकते हो। मतलब इनका जो इथरनेट का पोर्ट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। डिज़ाइन बटन फॉर इनहेंस ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, मतलब बता रहे हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दिनों तक चलेगी। जो भी है, अब हमें क्या पता कि कितना टाइम तक। वैसे CDJ 2000 भी बहुत अच्छा प्लेयर है और वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, अनटिल अनलेस कि उसको पटकाना जाए। इसके अंदर हमें सेम फीचर जो नेक्सस की तरह 2000 की तरह देखने को मिलता है, वो उसके अंदर मिलता है हमें। अब मुझे ये सीरीज़ अभी नेक्सस सीरीज़ नहीं है, ये सिर्फ अभी CDJ 3000 है, ये नेक्सस सीरीज़ नहीं है। हो सकता है कि नेक्सस सीरीज़ इसका भी बाप हो, बट इन लोगों ने हॉट क्यूज़ और क्यू, मतलब इन लोगों ने क्यू और प्ले में कोई चेंजेस नहीं करे, जो जैसा था वैसे ही रखा। इन लोगों ने टेम्पो का भी मतलब टेम्पो को का भी रेंज उतना ही रखा जितना होना चाहिए था। मेरे ख्याल से जॉग व्हील भी उतना ही है और बाकी सारे नेक्स्ट वगैरह करने का, सर्च करने का, सारे बटन सेम टू सेम दिख रहे हैं मुझे। और देखते आगे, एलमोनियम टॉप प्लेट। ओके, सो एलमोनियम टॉप प्लेट तो पहले 2000 में भी था। डिज़ाइनिंग टॉप फॉर एनहांसमेंट ड्यूरेबिलिटी। ओके, सो हमें इस टाइम कुछ नया देखने को मिला। हमारा कंप्यूटर के साथ जो USB का केबल था वो पहले ब्लैक में दिखता था हमें, अब इसमें ब्लू में दिख रहा है। फॉर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अब और स्पीड से काम करेगा, मतलब ये अब 3.1 का मेरे ख्याल से ट्रांसफरिंग स्पीड काम करेगा और ये अब कंप्यूटर के साथ बहुत अच्छा और स्पीड से काम करेगा, या फिर और भी कुछ, फॉर एग्जांपल और भी कुछ डिवाइसेस वगैरह, देखते हैं कि क्या क्या है। और डिजिटल आउट, मतलब पोर्ट सेम ही है, पीछे कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं है, सेम 2000 की तरह ही पोर्ट है। और इसमें CD प्लेयर अगर आप देख सके, सो मेरे को इधर कोई CD रोम दिख नहीं रहा। ओके, सो CD रोम यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। सो इसका मतलब ये है कि अगर इसके अंदर CD रोम नहीं दिख रहा तो मतलब तो इन लोगों ने CDJ क्यों रखा, क्योंकि CDJ का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क जॉकी, और डिस्क नहीं है तो CDJ क्यों रखा फिर इन लोगों ने, CDJ 3000 क्यों रखा। और अगर है तो देखते हैं अभी यार आगे, मतलब ऑन जॉग व्हील व्यू ट्रैक आर्ट वर्क। अच्छा, सो इनके जॉग व्हील के अंदर आर्ट वर्क भी दिखाई देगा, मतलब जैसे कि आप कभी ट्रैक्स चलाते हो तो आपके फ़ोन वगैरह में भी जैसे इमेजेस वगैरह बन के आती है, सो वो इमेजेस वगैरह भी इसके जॉग व्हील में दिखाई देगा। सो इट्स न्यू फीचर और मुझे कहीं पे भी इसका कोई CDJ इजेक्ट का बटन नहीं दिख रहा, तो मुझे पता नहीं कि इसके अंदर CD डलेगी कि नहीं डलेगी। डलेगी तो भी ठीक है, नहीं डलेगी तो भी ठीक है, क्योंकि अब सारे के सारे लोग अब USB में कन्वर्ट हो चुके हैं, USB DJs बन चुके हैं और USB से प्ले कर रहे हैं। सो बट इसका नाम CDJ क्यों रखा है, CDJ 3000 क्यों रखा है, इसका नाम XDJ 2000 रख देते, उसमें भी CDs नहीं चलती। सो अब कंपनी ने रखा है तो हम तो कुछ कह नहीं सकते, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से कुछ जॉग व्हील हमें सेम देखने को मिलता है, बस ये थोड़ा सा इन लोगों ने डिज़ाइन की तरह मतलब लुक दिया हुआ है, और मतलब स्मूथ परफॉर्मेंस विथ लो लेटेंसी। ओके, सो इस तरीके का स्मूथ परफॉर्मेंस हमें मिलता है, 96 kHz फ्लोटिंग टर्मिनल प्रोसेसर्स, रिड्यूस डिजिटल नॉइज। अच्छा, अगर आप देखें, और इस बंदे ने अगर हाथ हटाया, ओके, सो इधर का मतलब ये है कि ये जो पाइनियर का मिक्सर रखा हुआ है वो 900 मिक्सर रखा हुआ है। ओके, सो 900 नेक्सस रखा हुआ है ये। ओके, नेक्सस 900 रखा हुआ है और इन लोगों ने प्लेयर रखा हुआ है CDJ 3000। सो इसके ऊपर जो रेड कलर की लाइट जल रही है ऊपर, अगर आप आइकन देख सको, सो इसका मतलब होता है कि इन लोगों ने लैन हब से कनेक्ट कर रखा है। सो उससे आप 6 के 6 प्लेयर में कनेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली एक केबल से तो दूसरे में ही प्लेयर में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप USB हब लेते हो या फिर USB अपनी लैन हब लेते हो तो उससे आप 6 के 6 लिंक कनेक्ट कर सकते हो, और उसके थ्रू
से आपका ये रेड इंडिकेटर तभी आता है जब वो हब भी आपके मिक्सर से कनेक्ट हो, सो ये रेड इंडिकेटर तब आ रहा है, अदरवाइज ये ब्लू इंडिकेटर चलेगा अगर आप देख सके तो ऊपर का। हाँ, तो हम जिस बारे में बात कर रहे थे, इसका मिक्सर छोटा है और इसका बड़ा है, सो ऑब्वियसली ये डीजे MV10 के मिक्सर के हिसाब से बनाया हुआ है, सो ऑब्वियसली ये प्लेयर बड़ा है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये प्ले कर रहा है, मतलब उसका डिस्प्ले 9 इंच का डिस्प्ले, मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब पहले कितना आई गेस 7 इंच का डिस्प्ले था या 6 इंच का डिस्प्ले था, अभी 9 इंच का डिस्प्ले हो, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। इसके अंदर 3 फीचर्स हमें वैसे देखने को मिल गए, बीट लूप बाय डिफॉल्ट देखने को मिल गया, बीट जंप भी देखने को मिल गया जो कि 2000 नेक्सस में भी था, अभी की शिफ्ट भी आ गया इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, सो की शिफ्ट का भी फीचर्स इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। और स्क्रीन बड़ी हो चुकी है और 9 इंच की स्क्रीन है, बट 9 इंच की जो स्क्रीन है वो फुल टच काम करेगी कि नहीं, जैसे डेनन SC5000 के अंदर आपका जो प्लेलिस्ट वगैरह है ना, वो आप सिंपली गाने को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ऑन स्क्रीन बना सकते हो। सो ये वाला फीचर्स इसके अंदर है कि नहीं, आगे बढ़ते देखते हैं कि इसके अंदर है कि नहीं ये वाला फीचर। ओके, सो जैसे कि आपको इम्प्रूव वर्क फ्लो, ब्राउज ट्रैक इंस्टेंट, मतलब जैसे हम लोगों को पहले ट्रैक मतलब लोड करने में थोड़ा बहुत भी टाइम लग जाता था, लेकिन अब इसमें टाइम नहीं लगेगा, जैसे इनका बोलने का तात्पर्य है। ओके, सो एल्बम आर्ट वगैरह तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इन्होंने हेडफोन का लिंक क्यू हेडफोन, ओ अच्छा, सो इसका मतलब ये हो गया, आपको दिख किया हो गया कि अगर हम लिंक क्यू हेडफोन करते हैं सो हमारा कोई भी जो सीडी प्लेयर हमारा अटैच होगा, हम उसके जो आपको प्रीव्यू दिख रहा था ना, जो स्टार्टिंग में गाने के हर 10 ट्रैक के आगे प्रीव्यू था, तो उससे आपको सुनाई देगा। सो ये फीचर तब का था और अब जाके इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये जो लिंक क्यू वाला हेडफोन था ये अब जाके इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कमाल है, मतलब नहीं 900 में तब निकला था और अब जाके ये फीचर्स आ रहा है, मतलब इन लोगों की सोच कितनी दूर तक थी कि हम लोगों ने ऐसा इन फ्यूचर करना था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आगे ये देख सकते हो आप कि ये टच से भाई साहब आगे कर रहे हैं और इस तरीके से आपका गाने बाने आगे चल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू पायनियर, मतलब क्या सोच है, मतलब कहाँ सोचते, अभी नहीं हो गए इस फीचर को आए हुए, मतलब 900 को आए हुए, 2-3 साल तो आई गेस हो ही गए, 3-4 साल तो आई गेस हो ही गए, या जो भी है, मतलब इनकी सोच कहाँ तक है, मतलब कहाँ सोच के बैठे थे कि अभी बनाएंगे ऐसा है। देख रहे हो आप, इन्होंने प्रीव्यू आगे करा तो इनको वो ट्रैक सुनाई देगा, मतलब कमाल है, नहीं कमाल। और ऐसे तो आगे आप गाने को तो ये पता ही है, ये तो 2000 के अंदर ही था कि आपको गाने को अगर फॉरवर्ड करना ऑन स्क्रीन तो आप कर ही सकते हो, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मतलब पता ही है, प्रीव्यू अनदर पार्ट। ओ स्टैक वेव फॉर्म, ओके, स्टैक वेव फॉर्म में क्या हो रहा है कि जैसे जो हमारा मास्टर डैक है, फॉर एग्जांपल जो हमारा मास्टर डैक है उसका वेव फॉर्म ऊपर की तरफ है और जो हमारा अबाउट टू प्ले ट्रैक है, मतलब जो हम प्ले करने वाले ट्रैक है, वो नीचे की तरफ है, मतलब आई गेस आपको काफ़ी हिंट मिल जाता है कि मतलब मास्टर डैक कौन से चल रहा है, तो आप उसको मतलब उसके तरीके से आप प्ले कर सकते हो, मतलब उसके वेव फॉर्म कैसी कहाँ पर चल रही है और उसका मतलब हाईज कहाँ पे है, मिड कहाँ पे है और नीचे वाले हमारे जो नॉर्मल है, तो इन लोगों ने स्प्लिट कर दिया इस चीज़ को, मतलब अलग अलग डिवाइड कर दिया है, एक को छोटा कर दिया, एक को बड़ा कर दिया, तो ये भी अच्छा फीचर है। 3 बैंड वेव फॉर्म तो आपको पता ही है, रिकॉर्ड बॉक्स 6 के अंदर आ ही चुका था 3 बैंड वेव फॉर्म, सो रिकॉर्ड बॉक्स 6 के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिल ही गया था। इसके अंदर था क्या कि मतलब जैसे कि आप वाइट था, इसमें येलो था और ब्लू था, मतलब इसके अंदर वाइट का मतलब होता है जो उसकी आपकी हाइज होती है और येलो मतलब उसकी मिड होती है और ब्लू मतलब उसकी लोज होती है। सो आप हम देखते हैं, आप देख रहे हो वाइट मतलब हाइज हो गई, मिड मतलब ऑरेंज या येलो मतलब वो मिड हो गई और ब्लू मतलब लोज हो गई, ठीक है। सो इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस, सो इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस का मतलब ये होगा कि आपको तो वैसे ही ये पायनियर 6 नेक्सस 2000 के अंदर देखने को मिल ही गया, लेकिन उसके अंदर आपको रोलर वाले बटन से आपको इंक्रीज करना पड़ता था, बाई डिफ़ॉल्ट इसके अंदर स्क्रीन के अंदर टच में आ गया है, ठीक है। सो ठीक है, कोई नहीं, उसके अंदर भी था, इसके अंदर भी है, और टच स्क्रीन वाला इंक्रीज हो गया है ये चीज़। और इसके साथ में हमें जॉग व्हील का भी इंक्रीज का ब्राइटनेस देखने को मिल गया, जॉग व्हील का भी ब्राइटनेस साथ में दिख रहा है हमें, सो जॉग व्हील का भी हम टच करके बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट सेव टू सेम है, और चाहे तो हम इसको सेटिंग्स के अंदर अपनी बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में सेव करके रख सकते हैं, आपको दिख सकता है, ठीक है।
इसमें दो तरीके से आप प्ले कर सकते हो, एक वेव फॉर्म के थ्रू और एक फेस के थ्रू। सो कई लोग वेव फॉर्म के थ्रू प्ले करते हो, कई लोग फेस के थ्रू प्ले करते हो शॉर्टकट। सो ये शॉर्टकट है की सिंक शॉर्टकट, जो मैं आपको बता ही चुका था कि आगे पीछे सिंक कीज़ वगैरह को आगे करने के लिए, कीज़ वगैरह को मतलब 5 से 6 में करने के लिए, 6 से 7 में करने के लिए, 6 से वापस डिक्रीज में करने के लिए सिंक का बटन की सिंक होता है। मतलब इससे आपके गाने के ना ऑब्वियसली टोन वगैरह थोड़ी चेंज हो जाती है। मतलब अगर अगर आप इसमें देखो कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो इसकी टोन चेंज हो जाती है काफ़ी हारमोनिकली। उनके लिए ठीक है जो एकदम हाउस डीजेज है, जो मतलब हाउस म्यूज़िक प्ले करते हैं, उनके लिए काफ़ी ये फीचर्स काम आ सकता है, उनके लिए बहुत है। लेकिन जो अपने इंडियन डीजेज है उनके लिए मेरे को लगता नहीं कि वो कीज़ वगैरह से प्ले करते हैं, ये की वगैरह उनके लिए इफेक्टिव होगा। एनीवेज, सो 8 हॉट क्यूज़ जो हमने स्क्रीन में पहले ही बताया था, 8 हॉट क्यूज़। सो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 8 हॉट क्यूज़ ना, अगर ये एक साथ मतलब जैसे डीडीजे मेरे पास डीडीजे 1000 के अंदर एक साथ है, उस तरीके से कुछ देते तो ज़्यादा इजी होता, मतलब ऐसे ऑपरेट करने में, और हॉट क्यूज़ के साथ जो खेलते हैं उसके साथ खेलने में इजी होता। मतलब ऐसा भी ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली लगता है कि वैसा हॉट क्यू देना ज़्यादा सही रहता, कि और शायद इसकी जगह पे कुछ और फीचर्स आ सकते थे, इसकी जगह पे कुछ और नॉब्स आ सकते थे थोड़े बहुत। मतलब इन लोगों ने ना स्पेस मतलब यूटिलाइज सही से नहीं करा, मतलब इतना बड़ा प्लेयर है, काफ़ी बड़ा, मतलब आपको अगर V10 की तरह अगर आपको मिक्सर अगर आपने पर्सनली सामने से देखा हो तो V10 बहुत बड़ा मिक्सर है। और स्पेस देख रहे हो आप, स्पेस कितना बचा हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल ये देखो आप, ये 900 साथ में रखा हुआ है, कितना बड़ा प्लेयर है इसका, इसके साथ में, और स्पेस कितने सारे। मतलब ये लोग अगर बटन चाहे तो थोड़ा बहुत जॉग व्हील ऊपर शिफ्ट करके नीचे ऐसे हॉट क्यूज करके कर सकते थे, वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता और देखने में ज़्यादा अच्छा लगता। अब पता नहीं वो प्रेस वाला बटन है इसमें या फिर हल्का सा टच करते ही यूज़ हो जाता है, बट मेरे हिसाब से अगर टच करते यूज़ हो गया तो वो बहुत अच्छा हॉट क्यू माना जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है, उससे खेलने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब और वैसे ही अगर 2000 की तरह हॉट क्यू हुआ तो फिर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बट अच्छा फीचर ये है कि 8 के 8 हॉट क्यूज़ हमें सामने ही देखने को मिलते हैं। सो सबसे बेस्ट लगा ये हमें, 8 के 8 हॉट क्यूज़ हमें सामने देखने को मिल गए हैं। बीट जंप बटन, बीट जंप तो आपको पता चल ही गया होगा, जैसे आगे कई बार आप लूप करते हो, सो लूप करते ही आपका मतलब आप अगर अगर आपको जैसे 4 का बीट लूप करा, अगर आपको शिफ्ट करना है आगे या पीछे तो फिर वो बीट जंप से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि ऑफ बीट लूप लग जाता है, सो आप पीछे भी कर सकते हो उसको या फिर आगे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 4 का करना है, 8 का करना है, आप 16 का भी कर सकते हो, 32 का भी करते हो, 64 का भी कर सकते हो। और इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का भी दिख रहा है बीट का, 1/2x मतलब हाफ हो जाता है ये बीट लूप, और 2x मतलब डबल हो जाता है। सो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है ये चीज़ भी। अगर आप थोड़ा सा बहुत देखो तो बीट आगे पीछे आगे 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 पीछे कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इफेक्ट वगैरह चलाया है इन्होंने। सो इस तरीके से ये इनहेंस ऑटो बीट मैंने आपको बता ही दिया है कि 4 और 8 बीट लूप इंस्टेंट लग सकते हैं, और 4-4 डेक एक साथ चल सकते हैं, लेकिन 4 डेक तो चल सकते हैं, 6 डेक का मतलब क्या हुआ, मेरे को तो समझ नहीं आया आज तक कि 6 डेक क्यों निकाले। जो V10 में 6 डेक निकाले, हमारे रिकॉर्ड बॉक्स तो 4 ही सपोर्ट करता है, ये कोई भी इंटरफेस 4 सपोर्ट करता है, सो 6 डेक क्यों निकाले पता नहीं। सो ये 6 डेक इन्होंने निकाले, मतलब iOS डिवाइस के लिए तो कमाल है। मतलब iOS के लिए तो पहले भी इन लोगों ने करा था कि आप अपने मिक्सर से लगाओ और रिकॉर्ड भी कर सकते हो गाने ट्रैक वगैरह, जो इनका सेंड और रिटर्न वाला है, या फिर आप कुछ भी एप्लीकेशन जैसे इफेक्ट्स का है, RMX 1000 का जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, वो आईफोन के अंदर आप इंस्टॉल या आईपैड के अंदर इंस्टॉल करके अगर आप डायरेक्ट सेंड और रिटर्न का जो USB उसके अंदर आप कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर से भी इफेक्ट डाल सकते हो। मतलब आईफोन के लिए तो कमाल है। और जो आप प्लेलिस्ट वगैरह जो आपका रिकॉर्ड बॉक्स जो फ़ोन के लिए भी आया है उसके अंदर आईफोन से भी आप डायरेक्ट इसके अंदर चला सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। परफॉर्मेंस स्टोरेज, मतलब ऐसा स्टोरेज मतलब iOS को डिटेक्ट करेगा डायरेक्ट, ये मतलब आईफोन को डिटेक्ट करेगा। सिंक लाइट एंड साउंड प्रो डीजे लाइट लाइट, अच्छा तो प्रो डीजे लाइट मतलब जिसके पास लाइट का मतलब परचेस करा हुआ सॉफ्टवेयर है, जैसे रिकॉर्ड बॉक्स के अंदर लाइट फीचर भी आता है, सो जिसके पास वो फीचर्स होगा, मतलब ये जिसने वो सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, वो कंट्रोलर के साथ लाइट को भी ऑपरेट कर पाएगा, लाइट को भी चला पाएगा, बहुत अच्छे से चला पाएगा, लाइट भी मतलब उसके हिसाब से काम करेगी, मतलब
कमाल है, मतलब अलग ही नेक्स्ट लेवल है। सो इस तरीके से एंड होते हुए वीडियो एंड होता है। सो बात करते हैं अब इसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो इसका जो लुक है वो बिल्कुल 2000 है, मतलब बिल्कुल 2000 है। दूसरा टॉपिक है, इसके अंदर CDJ इजेक्ट का बटन नहीं है, मतलब इसके अंदर CDJ इजेक्ट का बटन नहीं है, तो मतलब इसके अंदर CDJ डलता नहीं होगा, मतलब CD डलती नहीं होगी। इसका जो डिस्प्ले है, वो टच फुल्ली टच करेगा काम, या फिर सेंस टच काम करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ कुछ पार्ट्स में काम करेगा, जैसे पहले काम कर रहा था नेक्सस 2000 की तरह। जैसे अगर आप डेनन SC5000 अगर प्लेयर देखते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि आप बाय डिफॉल्ट तो प्लेलिस्ट बना ही सकते हो, साथ में आपका टच से आप अपने वेवफॉर्म को बड़ा भी कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो अपने फिंगर से, आपको रोलर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वेवफॉर्म को बड़ा भी कर सकते हो छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ये SC5000 के अंदर है और डेनन के अभी जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं उसके अंदर है। ऑब्वियसली इसके अंदर फास्ट इथरनेट का दे रखा है वो ठीक है, लेकिन USB फास्ट है कि नहीं है वो भी एक डिपेंड करता है। और इसके अंदर मतलब मेरे को ऐसा लगता था FX का बटन हॉट क्यूज़ के जगह पे FX का बटन के भी अलग से स्पेस होना चाहिए था कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉट क्यूज़ से चेंज होके FX भी हो जाए। मतलब चलो ठीक है, हॉट क्यूज़ आपने 8 दे दिए, उसकी जगह पे अगर FX का भी आ जाए, मतलब अगर कोई कंट्रोलर वगैरह कनेक्ट करता है या फिर कोई लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करता है, ठीक है, तो FX का भी चेंज आ जाए। पेन ड्राइव में मतलब अगर आपने सिर्फ रिकॉर्ड बॉक्स से चलाया तो ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि उतना कुछ खास मज़ा आया नहीं है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इसके अंदर क्या क्या और फीचर्स आपको लगता है कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए थे और क्या क्या मतलब एक्स्ट्रा फालतू का दे दिया है, या फिर क्या हटा के क्या करना चाहिए था, मतलब इनका डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए था। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। आपको क्या लगता है इस CD प्लेयर में क्या क्या चीज़ की कमी थी, सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसके अंदर क्या क्या फीचर और एक्स्ट्रा हो सकते थे और किस तरीके से ये काम कर सकता था। सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और तब तक के लिए आप लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब का बटन है, जो रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आपको जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन मिले स्पिनिंग वाइब्स की वो सब आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। सो बाय गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरा नाम है DVJ Miles India और आप देख रहे थे स्पिनिंग वाइब्स। बाय, जय हिंद।